कुकविद सुनीता यादव में आपका स्वागत है। आज हम पालक के पकोड़े बनाएंगे जिसकी सामग्री इस प्रकार है। ये मैंने 150 ग्राम बेसन लिया है, और यहाँ पर हम सारे मसालों को इसमें डालेंगे इस तरह से। मैंने थोड़ा सा जीरा लिया हुआ है, अजवाइन है, अजवाइन को इस तरह से क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। स्वादानुसार आप इसमें नमक डालिए, आपको जितना भी डालना उस तरह से आप डाल सकते हैं इसमें नारियल, नमक। और इन सब सामग्री को डाल करके हम इसको, हम बेसन का एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना हमको इसमें। अभी इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। और इसको अच्छे से मिलाकर इस बढ़िया से इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने बेसन को फेंट लिया है। देखिए कलर भी बेसन का थोड़ा लाइट हो गया है, बहुत अच्छे से हमारा बेसन फिट चुका है। इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें और डालेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी सी सौंफ डालूंगी, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला, और इस तरह से 2 पिंच हम इसमें, देखिए इस तरह से दिखा रही हूँ, 2 पिंच हम इसमें खाने वाला सोडा डालेंगे। इस तरह से खाने वाला सोडा सबसे एंड में डालना है, जब इसको हम सारी सामग्रियाँ सब्जियाँ मिलाएंगे इसमें, तभी लास्ट में हमको सोडे को मिलाना है। देखिए इस तरह से हम सोडे को मिलाने के डालने के बाद हमको इसको ज़्यादा नहीं फेंटना है। अब देखिए इस तरह से मैंने सारी सब्जियों को काट लिया है। पालक को इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया है, 4 हरी मिर्च को इस तरह से काट लिया है, 1 प्याज को छोटा छोटा कट कर लिया है, और थोड़ा सा धनिया। आइए इन सारी सामग्री को हम इसमें मिला देते हैं। इस तरह से हरी मिर्च को डाल दिया मैंने, प्याज, धनिया, और ये हमारे पास जो पालक है, सारी चीज़ों को हम इसमें मिला देंगे। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से धो लिया था बिल्कुल, उसके बाद छोटा छोटा कट कर लिया है। अभी सभी सारी चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से मेरे सारे मिश्रण बन करके तैयार हो चुका है पकौड़ी का। आइए अब पकौड़ियों को तलते हैं। देखिए इस तरह से हम एक एक पकौड़ी को इसमें डालेंगे, छोटी छोटा थोड़ा थोड़ा सा हमको डालना है इसमें, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये पकौड़ी एकदम फूलने के बाद ना बहुत हल्की हो जाती है और काफ़ी बड़ी हो जाती है। इस तरह से सारी पकौड़ियों को हम डाल लेंगे, और इसको हमें तुरंत नहीं चलाना है, थोड़ी सी गोल्डन सी पीछे से हो जाएंगी तब इसको हमको पलटना है। इस तरह से हम सारी पकौड़ियों को इसमें डाल करके अच्छे से गोल्डन होने तक इसको तल लेंगे। ये पकौड़ी खाने में बहुत टेस्टी होती है, बहुत कुरकुरी बढ़िया होती है, जिस तरह से हम शादी में हम लोग खाते हैं सेम वही तरह की ये पकौड़ियाँ। आप खाइएगा, बताइए आपको कैसी लगेगी ये। ये देखिए इस तरह से हमारी सारी पकौड़ी अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। इस सारी पकौड़ियों को हम निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारी पकौड़ी कितनी बढ़िया बन करके तैयार हुई है। ये देखिए हमारी शादियों वाली गरम गरम पकौड़ियाँ बन करके तैयार हो चुकी है। देखिए एकदम क्रिस्पी है, देखिए कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है, और अंदर से देखिए एकदम सॉफ्ट, ऊपर से कुरकुरी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। देखिए पकौड़ी बनकर के तैयार हैं। बारिश के मौसम में आप ज़रूर इसे बनाइए और खाइए। मुझे बताइए आपको एक रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपी को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।